दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीजी स्पेशल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में जो ऑलरेडी मोटिवेशन और रियलिटी के बारे में है। दोस्तों मैं बात करता हूँ मोटिवेशन की। एक्चुअल में मोटिवेशन होता क्या है, एक्चुअल में मोटिवेशन जो है वो क्या है। दोस्तों मोटिवेशन वो होता है जो हमको एनर्जी देता है, मोटिवेशन वो होता है जो हमको इंस्पायर करता है, मोटिवेशन वो होता है जो हमको कोई कार्य करने की प्रेरणा देता है। मोटिवेशन अपने शब्दों में बोलूँ तो एक पेन किलर की तरह काम करता है। दोस्तों जब हम या जब कोई इंसान कुछ करना चाहता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और वो मोटिवेशन स्पीच सुन के वो कुछ टाइम के लिए भूल जाता अपना पेन। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन और रियलिटी की, ये 2-3 दिन तक तो बराबर बराबर चलता है, उसके बाद ये वैसे के वैसे ही रह जाता है वापस। 2-3 दिन तो मोटिवेट रहता है इंसान, लेकिन उसके बाद हमेशा वापस वैसा ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको रियलिटी के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जैसे सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीच कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था और महाभारत के अंदर यह पहला मोटिवेशनल स्पीच था। श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि आप इनका वध कर सकते हो। उस समय अर्जुन ने बोला था कि ये तो मेरे अपने हैं, इन सब का वध मैं कैसे कर सकता हूँ, इनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, इनके साथ मैं खेला हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने ये नहीं बोला कि आपके अंदर बहुत ताकत है और आप ये कर सकते हो। उस समय कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये रियलिटिक सोच दी कि आप इनके शरीर को मार रहे हो, आत्मा अमर है जिसकी वजह से आप उस समाज का निर्माण कर सकते हो। उस टाइम पे अर्जुन के दिमाग में ये रियलिटिक सोच आई और अर्जुन ने उन सब का वध किया। इससे हमको ये सीख मिलती है दोस्तों कि जो रियलिटी है वो एक्चुअल में मोटिवेशन है। तो रियलिटी को मोटिवेशन के साथ जुड़ा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उधार की जो मोटिवेशन होती है वो कुछ समय के लिए हमारे पास रहती है। अगर हम एक बार उधार की मोटिवेशन ले ली हमने तो फिर हमको हर बार उधार की मोटिवेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम रियलिटी के साथ उसको कनेक्ट करें और हमेशा के लिए मोटिवेट रहें। असली मोटिवेशन दोस्तों अंदर से आता है, ये आपको पता है। जब रियलिटी का पता चलता है तब आदमी अंदर से इंस्पायर हो जाता है और किसी भी बिजनेस में जाता है, किसी भी सेमिनार में जाता है और किसी भी मोटिवेशनल स्पीच में जाता है तो आदमी वहाँ पे मोटिवेट हो जाता है फुल। वो अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी होना ज़रूरी है, रियलिस्टिक के साथ जुड़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पर्पज और उस गोल को क्लियर करें जिससे हम मोटिवेट रह सकें हमेशा के लिए, उसके बाद हम कोई भी मोटिवेशन स्पीच या इंस्पायर होने वाली बातें देखें। तो हमको हमारा पर्पज और गोल जब क्लियर होगा तभी जाके ये मोटिवेशन वाला टॉपिक हमको अंदर से समझ में आएगा, अंदर से वो चीज़ें पता चलेगी कि हाँ बिल्कुल सही बात है। जब पर्पज और गोल दोनों एक साथ हमारे बराबर चल रहे हैं तब मोटिवेशन रहेगा दोस्तों, नहीं तो उधार का मोटिवेशन ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। इसी के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जनरेटर का नाम सुना आपने,
जनरेटर के अंदर जो हैंडल होता है उसको आप जब घुमाते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है, वो रियल मोटिवेशन है। अब जब एक बार स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया, लेकिन वो लगातार चल रहा है, किसकी वजह से? फ्यूल की वजह से। वो रियलिटी के साथ जुड़ा दोस्तों, फ्यूल की वजह से लगातार चल रहा है। तो हम यहाँ से एक चीज़ सीख सकते हैं, एक बार रस्सी खींची हमने और जनरेटर को स्टार्ट कर दिया, वही हम क्या करते हैं, एक बार किसी जगह जाते हैं, मोटिवेशन हम वहाँ पे स्पीच लेते हैं, मोटिवेशन बातें सुनते हैं तो हम इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन लगातार चलते रहना है, लगातार हमको रियलिटी के साथ जुड़ा रहना है, वो चीज़ें हमको हमारे गोल और हमारे पर्पस से मिलेगी। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल से हमको ये सीख मिलती है कि हम जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हमको सीखना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा उस काम के लिए, और जिस फील्ड में हम एक्सपर्ट हो गए और एक्सपर्ट होने के लिए हमको समय देना पड़ेगा और उस चीज़ को रियलिटी में समझना पड़ेगा और उसमें हमको काम करना पड़ेगा, और काम करते टाइम, काम करने के समय के बाद में जो हमको पैसा आएगा ना, वो असली मोटिवेशन होगा दोस्तों। असली मोटिवेशन जब हमारे पास काम करने के बाद जो पैसा आता है ना, उससे असली मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।